तो स्वागत है अभी सभी का एक और नई वीडियो में। तो अभी जैसा कि पिछली वीडियो में देखा HMT का फ्रंट एक्सल तैयार करना था 3D प्रिंटर से, तो ये पार्ट थे उसके जो प्रिंट हो लिए थे। वैसे तो ये मैंने अपने आप खुद डिजाइन करे थे, तो इन्हों आज असेंबल करेंगे इसी वीडियो में। और भाई देखा अगर ये ओए नहीं दोबारा प्रिंट करेंगे तो दोबारा डिजाइनिंग देनी पड़ेगी। वैसे तो मैंने कैलकुलेशन करी है कि भी हो जाएंगे, मतलब कि देखा उसमें टायर ये वाले डाल लेंगे जो उनसे पहले थे, सर्वो मोटर देखा आगा बाकी के हिसाब से इनके एडजस्टमेंट रहा। तो भी आज मतलब कि आज की इस वीडियो में मैक्सिमम इससे अपग्रेड करना है। वैसे तो मैंने इसका फ्रंट एक्सल लिया तो उसके पीछे स्पीकर बदलने और जो भी मॉडिफिकेशन है बढ़िया लगन कर देंगे। तो भी फटाफट काम स्टार्ट करा, अपना लैपटॉप यहाँ गाने चलावा, फटाफट काम स्टार्ट करूँ मैं, मिलूँ जल्दी काम जितना भी होगा। देखो आप तो भी करो चेक, फ्रंट एक्सल तैयार हो गया अपना टोटली। असेंबल की वीडियो मैंने शूट कर लिया पहला वा देखो, फिर अगर देखा क्या करना क्या नहीं। पहला असेंबल की वीडियो देखो इसकी पूरी। देख लियो कि असेंबल कर दिया अपना फ्रंट एक्सल और इसके एक हुक डिजाइन कर लिया मैंने, फ्रंट हुक का जो यो एक्सल के बीच में लगा कि एक्सल के और ट्रैक्टर के। और भाई मैंने प्रिंट करने लगा दियो, मैं दिखाऊं प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया प्रिंटर ने, जो जी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया प्रिंटर ने भाई। 18-24 मिनट की फाइल है, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, फटाफट हुक प्रिंट होने दो, उसके बाद बस इस तरह असेंबल करना है जल्दी जल्दी भाई। इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करूंगा, मतलब डिटेल में वीडियो शूट करी हुई है मेरी, तो इससे अलग से ही अपलोड करांगा चैनल पर। तो अपना एक्सल कंप्लीट है, मैक्सिमम इसमें सर्वो लगानी है, यहाँ से काट का सुनो चलो तो लगा देंगे बाद में। तो भाई और काम है तो मिला आ जाएगा।
भी अपना फ्रंट एक्सल HMT का बन के रेडी है। सर्वो मोटर लगा दी, टेस्ट भी मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे टेस्ट। तो भाई वीडियो यहीं तक थी, तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में किसी। जब तक के लिए जुड़े रहो अपने चैनल के साथ।